कुछ नहीं जी, मालिक उठा के रखते हैं यहाँ पे, मिस्त्री कुछ नहीं रखते, हम नहीं करते जी, ऐसे दिखाते हैं अपने अंडे के लिए उठा के अकेले पटकते हैं जी। करते हैं फिर सही से, करना तो पड़ेगा जी, जोर लगाओ जोर। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं तुम्हारा भाई सुखविंदर सिंह सग्गू मुजफ्फरनगर से, और आज हमारे पास आया चाइना का स्टेयरिंग जो कि खुलकर आया है। दोस्तों गाड़ी रास्ते में खड़ी है, स्टेयरिंग में क्या दिक्कत है, स्टेयरिंग अपने आप काम कर रहा है दोस्तों, अपने आप, मतलब कि काटने की जरूरत नहीं है, इशारों से काम कर रहा है, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। तो दोस्तों इसकी हम करेंगे प्रॉब्लम का सोल्व, क्या प्रॉब्लम है, खोलेंगे, खोलने के बाद दिखाएंगे भी आपको इसमें क्या दिक्कत आती है, और जो इस दिक्कत का फ़ायदा उठाकर कई अननोन बहुत पैसा उतार लेते हैं ग्राहक से, मगर जो इतना काम नहीं होता इसमें दोस्तों, वो आज मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसमें क्या कमी थी और वो कैसे हुआ और अचानक कैसे हो जाता है। अधिकतर जो स्टीयरिंग करने वाले मैकेनिक है, जो तो ट्रेंड मिस्त्री हैं, जो बिल्कुल इंजीनियर है, वो इस चीज़ को ज़रूर जानते होंगे, गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप कर रहा था तो क्या कमी हो सकती है, मगर इसमें रियर बहुत हल्की कमी थी, जो कि आप देख सकते हैं कि राड जो है वो अलग हो चुकी है, पिन में से निकल चुकी है, इसकी जो ऊपर की सेंटर पिन है वो टूट चुकी थी चलती हुई गाड़ी में, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ गई है। मगर अधिकतर लोग क्या करते हैं, इस राड को पूरा कंप्लीट ही चेंज कर देते हैं, मगर नहीं दोस्तों, अंदर ये पिन जो है दूसरी डाल दें और ये वाली जो है राड इसमें असेंबल दोबारा हो जाएगी। तो दोस्तों इसे हम करेंगे फिट, अब आप देखेंगे दोस्तों किस तरीके से हम इस काम को अंजाम देंगे। अगर दिक्कत हुई तो राड पूरी बदली आ गई, पूरी दिक्कत हुई तो राड बदली आ गई फिर तो दोस्तों अब जो है इसके अंदर जो है पिन बदल देंगे इसकी, और पिन बदलने के बाद दोस्तों ये जो स्टीयरिंग है बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर गाड़ी का स्टीयरिंग इधर उधर फिर भी भागता है, फिर इसमें हमें एक और कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, जो कि वो कमी आने पर पता लगता है, मगर वो कमी नहीं आएगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब इसमें हम जो है इसकी जो सेंटर पिन का जो लॉक टूटा हुआ है अंदर का, वो उसमें से निकालेंगे, और कैसे वो आप देखेंगे वीडियो में। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो स्टीयरिंग की समस्या है अधिकतर आती रहती है ये वाली, तो इसमें जो है ये पिन जो अंदर की निकालनी होती है, ये बदलनी पड़ती है। ऐसी ही समस्या एक और थी, किसी अनजान व्यक्ति ने वो स्टीयरिंग की ऑयल सील बदली और ऑयल सील बदल के ऊपर चोट मार दी, पोपट वाल जो था ऊपर का लट्टू जो था वो मतलब कि उसने हिला दिया, जिसकी वजह से स्टीयरिंग झटके मारने लगा और इधर उधर हिलने लगा। तो अगर पोपट वाल भी अगर आपका जो है अगर आपने गलत तरीके से लगा दिया तो भी दिक्कत आ सकती है दोस्तों। तो इसमें ये वाली बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी होनी चाहिए तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ, जिसे पता ही नहीं है वो खोल लिया धो लिया फिट कर दिया, बस यही पता है उसे, और मेन अंदर का फॉल्ट पता ही नहीं है, ये होगा वो होगा। मैं तो हैरान हूँ ऐसे बंदों पे जो खोल लेते हैं और फिर चला भी लेते हैं, ऐसे ही समझ नहीं आता मैं कैसे कर लेते हैं, और फिर कहते हैं कि कोई नहीं दूसरा लेगा, खोल खाल के होने का नहीं सही, उसके बाद दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों अब जो है हमने जो इसका काम था अंजाम देना था वो हमने कर दिया है, आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भाई के भी स्टीयरिंग में ऐसे कोई समस्या है तो ज़रूर उसमें पिन बदलवाएं, और कुछ नहीं है। अगर नहीं समस्या का हल हो रहा है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं आपको इसमें गाइड कर सकता हूं। तो दोस्तों मगर स्टीयरिंग जो होना चाहिए वो खोलने वाला मैकेनिक होना चाहिए, अब पता चले कोई और खोल ले और वो उस पर कहानी खामी खां वही रहेगी फिर। तो दोस्तों ये जो फॉल्ट है नॉर्मल फॉल्ट है, कोई इतना लंबा चौड़ा फॉल्ट नहीं है, चाइना में फॉल्ट बहुत पुराना है, हो जाता है, जो पिन टूट जाती है इसी कच्ची हो जाती है पिन, मतलब चाइना का स्टीयरिंग अब तो उसमें होते ही है, फॉरनी वाला जो मार्केट में बिकता था सन 2011 मॉडल की जितने ट्रक वगैरह आए थे तो उसमें ये वाला जो है स्टीयरिंग आया था।
तो दोस्तों असेंबल कर दिया हमने, इसमें पिन फंसा दी है और पिन फंसा के जो इसका काम फाइनल हो चुका है दोस्तों, हेड हेड फंसा दिया हमने और स्टेयरिंग जो है हमारा वापसी वो फिट हो गया। अब बताइए इसमें कौन सी मैंने किट डाली है और कौन सा क्या सामान डाला है। किट डलेगी जी, युवा होगा वो आवगा ऐसा है जी दोस्तों। ये जो स्टेयरिंग है, ये कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जैसे गाड़ी मतलब टाइम पूरा होने वाला होता है तो वो बंदा उसमें अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इस वजह से उस काम को इसी तरीके से करना पड़ता है, तो इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं होता दोस्तों। तो ये स्टेयरिंग जो था मतलब गाड़ी बस टाइम ही पूरा होने वाला है इसका, तो इसलिए वो उसे पूरा नहीं करा पा रहा था, इसलिए हमने इस काम को अंजाम दिया इस तरीके से। तो दोस्तों स्टेयरिंग जो था हमने फाइनल कर दिया है। तो दोस्तों स्टेयरिंग कर दिया है, स्टेयरिंग में सिर्फ पिन की प्रॉब्लम थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जो कि टूटने की वजह से स्टेयरिंग प्रॉब्लम कर रहा था। तो गाड़ी हो गई ओके, स्पेशल आई थी मीरापुर से गाड़ी है, तो इसके स्टेयरिंग में जो समस्या थी वो राड टूटने की थी और राड मतलब वहाँ से पिन निकली और हमने पिन दूसरी लगा दी इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, मगर गाड़ी ओल्ड मॉडल है इस वजह से थोड़ा कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो हमने इस काम को अंजाम दे दिया। तो दोस्तों भविष्य में अगर आपको ऐसी ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय। जी हाँ जी बोलो बोलो क्या बोल रहे थे। कुछ नहीं जी, मालिक उठा के रखते हैं यहाँ पे, मिस्त्री कुछ नहीं रखते, हम नहीं करते जी, ऐसे दिखाते हैं फ्रेंड के लिए उठा के अकेले पटकते हैं जी। हाँ ले जाओ ले जाओ, गाड़ी में लगा के बता रहे ना क्या कंडीशन है। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। ओके।